हेलो स्टूडेंट, हम लोग लाइव कवरेज करने के लिए लतीफ शाह डैम में आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पीछे लंबा एक डैम है, काफ़ी इसका देख रहे हैं वाटर स्टॉक किया गया है इसमें। तो लतीफ शाह डैम चकिया चंदौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, उत्तर प्रदेश के। जैसे मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है वैसे चंदौली डिस्ट्रिक्ट है, और लतीफ शाह डैम के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी डेंजरस डैम ये माना जाता है, काफ़ी गहरा है, और अभी वाटर का सप्लाई इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है। तो जैसा आप देख रहे हैं, काफ़ी दूर दूर तक इसमें वाटर स्टॉक किया गया है, और आगे जल प्रवाह भी, कमरे को घुमाएंगे जिस तरह से दिख रहा है अभी सूखा पड़ा हुआ है। इसी से जो आगे रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता नहीं बल्कि ये दीवार है, डैम का दीवार है, बाहरी दीवार, और इसी से वाटर जब ओवरफ्लो हो जाता है तो ये नीचे गिरता है। तो जैसा आप दिखाएंगे कि अभी लोग इस पर चल रहे हैं, लेकिन चलने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि ये वाटर को रोकने के लिए बनाया गया है। कैमरे को उस तरफ करेंगे जिधर पानी गिरता है, अभी सूख गया है लेकिन अभी वाटर सप्लाई उस साइड में नहीं हो रहा है। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये जब ओवरफ्लो होता है तब इसका वाटर सप्लाई, वाटर गिरने लगता है और आगे जाके धारा का प्रवाह हो जाता है। तो जैसा आप देख रहे हैं, लतीफ शाह के डैम के नाम से जाना जाता है। और आज हम लोग कई वीडियो लाइव कवरेज कर रहे हैं, जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं, जितने भी इस तरह के वाटरफॉल हैं उनका कवरेज कर रहे हैं। तो इसे लतीफ शाह वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। ये चकिया और चंदौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो काफ़ी क्षेत्र देख रहे हैं इसका बड़ा है। वाटर रिसोर्सेज में जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट है, इन प्लेस में वाटरफॉल बहुत ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वाटरफॉल बहुत ज़्यादा है, और रिवर सिस्टम इनका इस तरह से किसी न किसी पहाड़ी से इनका जल स्रोत होता है, और इस तरह से किसी न किसी नदी में जाके मिलते हैं। तो ये बहुत सारे वाटरफॉल हैं, सभी वाटरफॉल का हमने लाइव कवरेज कर दिया। हमारे पास जो जल संसाधन हैं उनके संदर्भ में हम लाइव कवरेज लगातार कर रहे हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि हम उन चीज़ों को दर्शाना चाहते हैं, कहाँ पे वाटरफॉल हैं, उनके क्या महत्व हैं, और किस तरह से वो नदियों में जल को प्रवाहित करते हैं। तो एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि वाटरफॉल में आप डिफ्रेंसेस देखेंगे, जैसे आप हिमालय क्षेत्र के जो वाटरफॉल हैं उनमें लगातार जल का प्रवाह होता है, लेकिन जो मैदानी क्षेत्रों में वाटरफॉल हैं उसमें कमी ये है कि जैसा आप देख रहे हैं, इसमें स्टॉक तो है पानी, लेकिन जो दीवार है डैम की उस पर वाटर जो है अभी गिर नहीं रहा है। कहने का मतलब है कि इसमें वाटर की कमी है, स्टॉक तो किया गया है लेकिन इसमें इतना ओवरफ्लो नहीं है कि वो जल का प्रवाह नीचे गिरे या आगे प्रवाहित हो। तो जब बारिश तेज़ होती है, चारों तरफ से धाराएं गिरने लगती हैं, इसमें जल का प्रवाह तेज़ हो जाता, तब इस दीवार के आगे वाटर का सप्लाई होता है। तो इस तरह से आपको जानना होगा कि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं, जो मध्य भारत की नदियां हैं, वो ग्रीष्मकाल में सूख जाती हैं, लेकिन जो हिमालय की नदियां हैं उस, चूँकि उनका स्रोत ग्लेशियर होता है, इसलिए उसमें लगातार जल का प्रवाह बना रहता। तो ये डिफ्रेंसेस आपको जानना होगा, दोनों में बहुत अंतर पाया जाता है, और इसी बेस पर हम आपको लाइव कवरेज कर रहे हैं लगातार। तो आज हम लोग इस तरह से लतीफ शाह डैम का लाइव कवरेज करने के लिए आए थे, तो इसके संदर्भ में आगे थोड़ा सा कुछ दिखाएंगे, और यहीं पर ब्रेक करते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, हम लोग जिसमें लतीफ शाह डैम के पास में लाइव कवरेज करने के लिए आए हैं। तो जैसा आप जानते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस जितने भी होते हैं अपने आप ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी इंडिया का जो फीचर होता है अपने आप ही इंपॉर्टेंट होता है। जो गार्जियंस जो सजग होते हैं वही अपने स्टूडेंट को या अपने बच्चों को जो है ऐसे प्लेस पर लेके आते हैं। तो हमारे साथ एक ऋतुमयम है जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ पर आई हैं डैम को दिखाने के लिए। ये चाहती तो किसी रेस्टोरेंट में जा सकती थी घुमाने के लिए, किसी ऐसे स्थानों पर जा सकती थी जहाँ बच्चे जो है केवल खाते पीते ऐसे में घूम के चले आते, लेकिन उन्हें ऐसा प्लेस चुना जो बच्चे को सीखेंगे और जानेंगे। तो इसी के संदर्भ में हम लोग लाइव कवरेज करने के लिए आए हैं, और इनका कुछ व्यू लेना चाह रहे हैं। हमारे साथ ऋतुमयम है, उनसे उनका व्यू लेना चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आई हैं, और अपना इंट्रो देंगे सबसे पहले, इनका नाम क्या है, हाउस वाइफ है या कुछ जॉब से जुड़ी हुई हैं, उसके बाद जो है अपने बारे में जो है यहाँ के प्लेस के बारे में अपना व्यू देंगी। ऋतुमयम, मैं सोनभद्र जिले से हूँ और मैं एक BTCR हूँ जी। अपने बच्चों को बहुत अच्छे से देखभाल करती हूँ जी। मेरे बच्चों को यहाँ वाटर पार्क आकर के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बच्चे मेरे एंजॉय कर रहे हैं जी। हमारा हर पेरेंट्स से यही कहना है कि अपने बच्चों को रेस्टोरेंट या वैसे भीड़ भाड़ जगहों पर ना ले जा करके ऐसे जगहों पर ले जाएँ जहाँ बच्चे इंजॉय करें और उन्हें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि COVID-19 इसमें बहुत खतरनाक बीमारी जो चल रही है, उससे हम लोग को बचाव होगा तो अच्छा ही होगा जी। तो आप एक जागरूक जो है गार्जियंस हैं और अपने बच्चों को लेके हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? रौनक। आपको रेस्टोरेंट अच्छा लगता है या फिर यहाँ पे वाटरफॉल आने में अच्छा लगा, बताएं? यहाँ पे आने लगा। तो जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ पे लाइव कवरेज हम कर रहे हैं, और बच्चे का क्या है कि मतलब यहाँ पे आने में उसको ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, अगर ये रेस्टोरेंट जाते शायद उसको उतना अच्छा ना लगता। आजकल आज की जनरेशन जो है अपनी कला और संस्कृति से दूर भाग रही है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं चूँकि गार्जियंस का असर उस पर पड़ता है। अगर गार्जियंस की बच्चों को उस तरह से मोटिवेट करेंगे कि हम अपने इंडिया के ऐसे फीचर को जानना है, झील झरना पहाड़ देखना है, अपनी कला और संस्कृति को समझना है, तो बच्चे के अंदर भी वही संस्कार आता है। लेकिन अगर गार्जियंस खुद ही रेस्टोरेंट जाना चाहेंगे तो बच्चे फिर कैसे जाएंगे? तो कहने का मतलब है, गार्जियंस अगर मोटिवेट
बच्चों को करते हैं तो बच्चे भी वही संस्कार सीखते हैं। और जैसा कि मैम बोल रही हैं कि अपने बच्चों को रेस्टोरेंट के बजाय हम ऐसे प्लेस में आएँ जहाँ पर कुछ बच्चे सीखेंगे और हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में कुछ जानेंगे। बुक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और डायरेक्टली जब आप देखते हो ज़्यादा बेहतर समझ में आती है, बुक्स में उतनी अच्छी समझ में नहीं आती। वाटरफॉल आपने सुना था, बुक्स में पढ़े थे ना, लेकिन नहीं जानते थे कि वाटरफॉल कैसे होता है, डैम कैसे होता है। लेकिन आज आप यहाँ पे आए तो आपको एक्चुअल में समझ में आया कि डैम इस तरह से बनाया जाता है, काफ़ी गहरा होता है। अच्छा, कभी ये जानते हो कि वाटरफॉल डैम जो बनाया गया है यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे गहराई 100 फीट है, डूबने का खतरा है ना, तो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए ना। जिन लोगों को वहाँ से नहीं आता वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, तो जिनको तैरना नहीं आता वहाँ पे, एक छोटा बच्चा भी इस तरह से बोल रहा है जिनको तैरना नहीं आता उस प्लेस पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग जो जिनको तैरना नहीं आता वहाँ पे जाते हैं और दुर्घटनाएं होती हैं। तो ऐसे प्लेस पे जाने से बचना चाहिए। दूर से देखिए आप उन चीज़ों को, दूर से ब्यूटी को समझिए, लेकिन पास ना जाएँ, दुर्घटना को दावत ना दें। लाइफ जो है अनमोल है, जीवन अनमोल है, इस तरह से अपने जीवन को खतरे में ना डालें। मैम, ऐसे गार्जियंस को और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो बच्चों को मॉल से या रेस्टोरेंट के वो लेके जाते हैं और ऐसे प्लेस में नहीं आते, हिस्टोरिकल प्लेस में लेके आना चाहिए, अपनी कला और संस्कृति के पास में रहना चाहिए, इनके संदर्भ में क्या कहना चाहती हैं? नहीं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ अपना समय दें जी जी, और ऐसे जगह पर भीड़ भाड़ जगह पर कतई न जाएँ जी, क्योंकि हमको बहुत खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने बच्चों को अपने साथ समय बिताएँ जी जी, और ऐसे खुली जगहों पे आना चाहिए जहाँ पे कोई खतरा ना हो, और बच्चे इससे कुछ सीख भी लेंगे और बच्चे कुछ इससे सीखेंगे भी। जो हमारी कला और संस्कृति, भौगोलिक जो परिवेश है, जैसे आजकल संसाधन है, संसाधन के बारे में स्टूडेंट कम जानते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं उतना बेहतर तरीके से नहीं जानते, लेकिन जब संसाधन के पास में आते हैं कि वही सब देखेंगे तो बेहतर समझेंगे। और आने वाले टाइम में जैसे कि आप जानते हैं बेरोजगारी या शिक्षा, इन चीज़ों का बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर सरकार चाहे तो इन संसाधनों का यूज़ करके, मल्टीपल यूज़ करके जो है देश के विकास को गति प्रदान कर सकती है जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। रेस्टोरेंट जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे लतीफ़ साहब डैम है और इसके यहाँ पे अक्सर एक्सीडेंट होता रहता है, उसका लाइव कवरेज करने के लिए आएँ, किस तरह से है, कैसा है। तो हमारे साथ कुछ लोकल निवासी यहाँ के हैं, इसके बारे में बताएंगे इसकी गहराई कितने फीट लगभग है और जो दुर्घटनाएं होती हैं कैसे होती हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं बाहर से आते हैं कैसे डूब जाते हैं, उनके संदर्भ में कुछ इनका व्यू लेना चाह रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ के लोकल कुछ निवासी, उनसे बात करते हैं। इसकी गहराई लगभग 100 फीट के अंदर है। 100 फीट गहरा है जी। अच्छा, लोग जो बाहर से आते हैं कैसे दुर्घटनाएँ किस तरह से हो जाती हैं? सर, कुछ लोगों के तैरने का ढंग रहता है, कुछ लोग नए लोग नहीं रहता है तैरने में, उनके देखी जगह ये भी तैरने की कोशिश करते हैं, बच्चे उसमें डूब जाते हैं जी जी जी। ऐसा ये सर, जो तैरने वाले होते हैं वो अक्सर नहीं डूबते, जो नहीं तैरने वाले होते हैं वो डूब जाते हैं जी जी। उनको पानी का था नहीं मिलता, वो अक्सर ज्यादा पानी में चले जाते हैं, उनको उनकी सांस वगैरह वो सब उसी में रुक के वो उसमें अफना के मर जाते हैं। तो समझे कितनी गहराई होगी इसमें? करीब 100 फीट के। 100 फीट यहाँ पे गहरा है, क्योंकि हम लोग अभी नहाते, जमीन अभी कुछ लोग जिस तरह से हम लग रहा था 6-7 फीट ज्यादा होगा, नहीं बहुत ज्यादा, कितनी आसानी से लोग जम लगा देते हैं नीचे जाने में। नहीं। कितना गहरा है लगभग इसमें? वो करीब 100 फीट। 100 फीट है, 100 फीट गहराई में इनको जाने में जरा सा भी डर नहीं लग रहा था और बहुत इजिली जो है कूद रहे थे। तो इस तरह से बाहरी लोग जो आते हैं उसको, इन लोगों को देख करके ना कूदे इसमें, क्योंकि बहुत डेंजरस प्लेस है ये। तो देखा देखी मिल लोगों के लिए तो एकदम आसान है, इतना आसानी से जंप लगा देते हैं, लेकिन बाहरी लोग जो आए इस तरह से ना करें। लेकिन हम लोग ना भी नहीं पाएंगे कितना गहरा है। जैसा कि आप देख रहे हैं लतीफ़ साहब डैम है, इसके पहले भी हम लोग ऊंचाई से कवरेज किए थे। जैसा हमारे पीछे देख रहे हैं जहाँ पे भी ऊपर जाने के लिए रास्ता है, बहुत डेंजरस जोन है, लोग हालांकि वहाँ पे सेल्फी लेने के लिए जाते हैं, वीडियो बनाने के लिए जाते हैं, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, बहुत खतरनाक जोन है, क्योंकि अक्सर दुर्घटनाएँ होती हैं। यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट आते हैं ज़्यादातर पिकनिक में, कोई ना कोई फिसल करके डूब करके जो है मर जाता है। तो जैसा आप देख रहे हैं हमारे पीछे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा 4 या 5 फीट चौड़ाई है, दीवार है, डैम का एक मॉडल बनाया गया इस तरह से, उसी के थ्रू जो है पानी को आगे सप्लाई किया जाता है। वो उसमें
इसमें जो ओवरफ्लो हो जाता है तो ओवरफ्लो होने के बाद पानी नीचे गिरता है। जैसा आप दिखा रहे हैं नीचे ये दीवार है और ये दीवार पे लोग चल फिर रहे हैं, लेकिन हालांकि चलने फिरने के लिए नहीं है। तो ये ओवरफ्लो होने के बाद पानी आगे गिरता है और जो ऊपर बना हुआ है उसमें एक सिस्टम लगाया गया है और सिस्टम के थ्रू गेट को खोला जाता है, तब जाके जल का प्रवाह आगे होता है। तो यानी उसको कंट्रोल किया जाता है और इसको कंट्रोल नहीं किया जाता। इसमें जब ओवरफ्लो होता है तभी दीवार के ऊपर जो है वाटर को सप्लाई होता है। तो ओवरफ्लो होने पर भी ये कंडीशन होती है और उसमें कंट्रोल किया जाता है, दोनों में ये डिफरेंट है। और इस तरह से बांध है और इसी पर जो है लोग इस टाइम में जो चलते फिरते हैं, लेकिन इसमें चलते फिरते नहीं है, लेकिन ये ओवरफ्लो होता है तब जाके इसमें जल का प्रवाह तीव्र हो जाता है। अब देख रहे हैं लतीफ़ शाह डैम काफ़ी जो है बड़ा है और इसमें वाटर का लगातार जो है इसमें बारिश नहीं हो रही है। तो जो सीज़न होता है, जब सीज़न पे बारिश होने लगती है तब इसमें ओवरफ्लो होता है और ओवरफ्लो होने पे भी नज़ारा इसका बेहतर लगता है। जैसा आप देख रहे हैं पीछे दिखाएंगे कैमरे को, काफ़ी सूखा हुआ है, वाटर का सप्लाई इसमें रुका हुआ है, क्योंकि जल प्रवाह जब तीव्र होगा तभी ओवरफ्लो होगा और जब ओवरफ्लो होगा तभी जल का प्रवाह तीव्र होता है, नीचे गिरता है। लेकिन अभी जो है वाटर सप्लाई इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो है इसमें ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। इसका और रास्ता लोग बना लिए हैं इस पर चलने फिरने के लिए, जबकि ये रास्ता नहीं है बल्कि डैम की दीवार है। इतनी मोटी दीवार बनाई जाती है, आपको दिखाना चाहते हैं कि लगभग समथिंग 10 फीट चौड़ी मोटी दीवार डैम की बनाई जाती है वाटर को रोकने के लिए। इतना स्ट्रांग ना बनाया जाए तो डैम टूट सकता है और जल प्रवाह तीव्र हो जाएगा और ऐसे में आसपास के जो क्षेत्र होंगे डूब सकते हैं। तो इस तरह से जो है डैम को इतनी स्ट्रांग बनाया जाता है जिससे जल को रोका जा सके। जैसा आप हमारे पीछे देख रहे हैं डैम में लगभग 100 फीट गहराई होगी और जंप कर रहे हैं 100 फीट अरे हां